राजस्थान से ब्यूरो चीफ लक्ष्मण गोरड़ की रिपोर्ट। एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता ने इस आंदोलन के और आज मैं उन सभी को साधुवाद देता हूँ कि उनके द्वारा जो त्याग और तपस्या की गई, इस आंदोलन के लिए मेहनत की गई है, वो मेहनत आज इस गेट के यहाँ पर झलक रही है। मैं साथ ही साथ हमारी नव निर्वाचित कार्यकारिणी को भी बधाई देता हूँ कि वो आज पुनः इस आंदोलन को हमारे कोर्ट परिसर से बाहर की ओर लाए हैं। साथियों, आंदोलन मैं रमेश ननवाना हूँ, हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति का संयोजक हूँ, मेवाड़वागढ़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति का। आज हमारी संभाग स्तर की समिति की बैठक हुई है और इस बैठक में हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उसमें हमने ये तय किया है कि केंद्र सरकार से, जो कि उनका लोगों तक पहुंचने का इरादा है, केंद्र सरकार लोगों को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध है, तो हमारा उनसे संपर्क अभी तक नहीं हुआ, पर अब हम जा कर के उनसे संपर्क करें और केंद्र सरकार को अवगत कराएं कि यहाँ का ये आदिवासी बहुल इलाका न्याय से वंचित है। प्रधानमंत्री क्योंकि हमारे पड़ोस के रहने वाले हैं, उनका होम डिस्ट्रिक्ट भी हमसे करीब 100-150-200 किलोमीटर की दूरी पर ही है, तो वो हमारे इलाके से परिचित हैं, उनको बहुत ज़्यादा नहीं बताना पड़ेगा। तो एक कमेटी हमने इस तरह की बनाई है जो जा कर के उनसे मिलेगी। पिछली वसुंधरा राजे सरकार ने राजस्थान में, जब वो सत्ता में थे, तब हमारी एक डिटेल मीटिंग जयपुर में हुई थी। उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि सर्वसम्मति से तय हुआ था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो तय करेगी कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच के क्या क्या चीज़ें हुए हैं जो जिसके आधार पर यहाँ पे हाईकोर्ट बेंच हो सकती है। पर बाद में उस कमेटी को का गठन नहीं किया उन्होंने और न ही उस कमेटी की कोई कार्रवाई हुई। तो वापस जा कर के राज्य सरकार से पूछना की कोशिश करेंगे, संपर्क करेंगे और निवेदन करेंगे और कि आप वो जो कमेटी जहाँ से सरकार ने निर्णय लिया था उसको लागू करें। सर, आपसे एक सवाल है जी। जैसे कि अभी काफ़ी टाइम हो गया हाईकोर्ट बेंच को लेकर, जैसे कि कोई चुनाव आते हैं, पार्टी कौन सी भी पार्टी आती है, जैसे कि कांग्रेस आई या बीजेपी आई, वो नेता भी है कि आपके बेंच के साथ में बैठ जाते हैं हड़ताल पे, तो ये आगे किस कमी के कारण हो रहा है ये चीज़, किस कारण हो रहा है ये रुकी हुई हाईकोर्ट? हाईकोर्ट तो इसलिए रुकी हुई है कि यहाँ के जो नेता हैं दोनों ही पार्टियों के जो सत्ता में आती है, वो नेता यहाँ तो बोलते हैं वहाँ नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं जयपुर में नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं दिल्ली में नहीं बोलते। और बोलने का मतलब ये है कि असर्ट करना पड़ता है। आपको कोई चीज़ अगर करवानी होती है, इस समय आपको कोई चीज़ करवानी है, तो पूरी ताकत के साथ में जोर दे करके आपको कहना पड़ेगा कि आप करिए। ऐसा कोई नेता हमारे दुर्भाग्य से हमारे यहाँ पर इस समय नहीं है, न कांग्रेस के पास है, न बीजेपी के पास है। आप भले ही हम उनको सर पर लोकित होके, हमारे सम्माननीय दोनों ही पार्टी के सबके बड़े नेता सम्माननीय है, हमारे को सहयोग भी करते हैं, पर उनका सहयोग फ्रूटफुल नहीं हो रहा जब तक कि वो सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, जब तक पद छोड़। मैं भूपेंद्र सिंह चुंडावत, बार एशियन महासचिव। आज हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर उदयपुर बार एसोसिएशन एवं जिला संघर्ष समिति द्वारा हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर न्यायालय परिसर के बाहर धरना दिया गया। उसके पश्चात मानव श्रृंखला बनाते हुए जन जन को यह आह्वान किया गया कि इस आंदोलन से जुड़े तथा मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधीश महोदय को सुपुर्द किया गया, जो हमारी मांग मुख्यमंत्री तक पहुँचाएगी। इसके पश्चात हमारे बार एशियन के सभागार में एक मीटिंग का आहूत किया गया, जिसमें इस आंदोलन को नई ऊंचाई देने के लिए हम सब ने नई नई टीमें गठित कर मुख्यमंत्री महोदय तथा प्रधानमंत्री तक इस बात को पहुंचाने का संकल्प लिया। हम सभी मिलकर इस मांग को लेकर निश्चित रूप से हाईकोर्ट बेंच उदयपुर में स्थापित करेंगे।